मगर भाई ये वेटर आपको। छोड़ यार, ये तो मेरा रोज करोना है। ये बता बाबा कहाँ है? बस आता ही होगा। कसम से यार, तुम दोनों को साथ में नहीं देखता तो ऐसा लगता जिंदगी अधूरी हो गई। मेरी बात मानना, जिंदगी में तूफान आए, कयामत आए, मगर कभी दोस्ती में दरार ना आने पाए। वादा? वादा। और मेरा भी वादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और क्या खा रहा है? आम। आम लेट लेट प्लास्टिक का। मगर तू क्यों खाने की बात कर रहा है? तू घर गया था ना, माँ ने पेट भर के खाना खिलाया होगा। थोड़ा सा मेरे लिए नहीं ला सकता था? मैं अगर घटिया खाना थोड़ी खाता हूँ, ये तो मैं गाकों को खिलाता हूँ। क्या? अच्छा सुन, तू अपने भाई से मिला? नहीं, अभी जा रहा हूँ, चलते है। आज मेरे दरगाह शरीफ जाने का दिन है। अरे बाप रे, भूल गया। देखा कादर भाई, भूल गया। एक दिन भाई के लिए दोस्त को भी भूल जाएगा। अरे होता है यार। क्या होता है यार? सोच, एक दिन अपने भाई और अपने दोस्त में से किसी एक को चुनना है तो फिर क्या करेगा? मैं बताता हूँ ना क्या करेगा। पहले मैं डंडा लेगा, दोनों का सर फोड़ देगा। ऐसी बात करेगा तो क्या फोड़ देगा? सर। चलो जाओ, दरगाह जाओ, दो मांगो। चलो कादर भाई, आपके लिए कुछ मांग लो। मांग ले? एक लुगाई मांग लो। लुगाई? हाँ मांग ले। भले 60 बरस की लुगाई हो, मगर उस लुगाई के साथ 56 करोड़ की चौथाई हो। बस 56 करोड़? अब तो जाना भाई, महाराज जैसा राजा के लाल। चल। तू माना क्यों नहीं यार? सौदा कोई बुरा नहीं था। ताले को आज नहीं तो कल 35 के 50 करने ही पड़ते। हम दोनों फिर से धंधे में आ जाते। बाबा और नवाब का जवाब नहीं है किसी के पास। मैं तुझसे कह चुका हूँ नवाब, कि मैं सनी के लिए काम नहीं करूंगा। इसमें बुरा क्या है बाबा? कल तक जो हम लोग अंकल के लिए करते थे, आज सनी के लिए कर लेते। वो हरामजादा उल्लू का पट्टा आज तेरा बॉस बन गया है नवाब। उस हरामजादे के लिए कौन लौटना चाहता है? बाबा, बाबा, मैं हमारी बात कर रहा था। तेरे बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा फैसला मैं तुझे सुना चुका हूं नवाब। ये तेरा मेरा क्या होता है बाबा? हमारे बीच हर फैसला हमारा होता था। फैसला हमारा होता था, लेकिन कीमत, कीमत सिर्फ मैंने चुकाई है नवाब। मेरी मां, मेरी मोहब्बत सब छिन गई मुझसे। एक भाई रह गया है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। और मैं बाबा, मैं तेरा कुछ भी नहीं। तू तो मेरी जान है नवाब, लेकिन तू तो जानता है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। कहां जा रहा है नवाब? अब तेरे रास्ते में मेरा घर नहीं पड़ता बाबा। मैं समझता था नवाब कि कोई समझे या न समझे, तू मुझे जरूर समझेगा। तेरे पास तो भाई था, मां थी, दिशा थी, सब कुछ था, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं था। फिर भी कभी मैंने अपने आप को अकेला नहीं समझा, क्योंकि तू मेरे साथ था। तू ही मेरी दुनिया थी बाबा। तू समझता क्यों नहीं नवाब, मेरी दुनिया मेरा भाई है। भाई एक इत्तफाक होता है बाबा, एक खून का रिश्ता होता है जिसे हम चुनते नहीं, हमें कबूल करना पड़ता है। लेकिन दोस्त, दोस्त हम चुनते हैं अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, अपनी खुशी से। हम दोनों ने एक दूसरे को चुना था बाबा, और आज, आज तूने अपने भाई को चुन लिया। लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन यही लंगड़ा दोस्त तेरे काम आएगा बाबा। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। हम थे ऐसे सफर पे हमने सारी उम्र जो किया।
उसका कोई हासिल नहीं, उसका कोई हासिल नहीं। एक खुशी की तलाश में थे कितने हम, हमको तड़पा गए जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहां आ गए। सोचो हम कितने मजबूर थे जो ना करना था वो कर गए, पीछे मुड़के जो देखा जरा अपने हालात से डर गए, अपने हालात से डर गए। खुद के बारे में सोचे जो हम, अपने आप से शर्मा गए। भाई ये नवाब कहाँ है? जिस भाई के लिए तूने घर छोड़ दिया उस भाई ने आज तुझको छोड़ दिया है। कादर भाई मैं पूछ रहा हूँ कि नवाब कहाँ है? चल बाद में पूछ रहा, पहले चल के चाय पी ले। कादर भाई आप जानते हैं कि नवाब के बिना ना मैं कुछ खाता हूँ ना पीता हूँ, तो फिर आप बोलते क्यों नहीं कि नवाब कहाँ है? नवाब अगर तेरे कानों में ताकत है तो सुन, और अगर तेरी आंखों में हिम्मत है तो जा और अपनी आंखों से देख कि नवाब किस हाल में है। कानिया का था? हाँ बाबा, कानिया ने धोखे से तुझे फंसा दिया, तेरा पता लेने मैं गया, मैंने एक एक को नहीं छोड़ा बाबा, कानिया तो नहीं मिला लेकिन कानिया के भाई को मैंने मार डाला, और फिर उन लोगों ने मेरी टांग काट दी। और अंकल का क्या हुआ? सनी,
सनी अपने अंकल को मारकर सनी बॉस बन गया बाबा। और तू जानता है जिन गाड़ियों में हम घूमते थे उन्हीं गाड़ियों को मेरी हाथों से 3 साल से मैं साफ कर रहा हूं बाबा, सिर्फ इसी इंतजार में कि एक दिन तू आएगा और उन हरामजादों को हम दिखा देंगे कि इस जुर्म के जंगल के शेर बाबा और नवाब है। नवाब चल कहां बाबा? कानिया से तेरी टांग वापस लेने। बोलो क्या चाहिए? नवाब की टांग। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि उस दिन तुझे जिंदा छोड़ दिया था मैंने, सिर्फ टांग काटी थी तेरी मैंने। मेरे भाई को मारा है तूने, तुम दोनों की जान लेकर भी मेरे भाई की मौत का बदला पूरा नहीं होता, समझा? गलती तो मुझसे हो गई, तू बच गया, वरना अभी को मरवाने की कोशिश और मेरे दोस्त को धोखा देकर गिरफ्तार करवाने का बदला तू और तेरा भाई अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते। अभी का बदला तुम लोगों ने पक्के से ले लिया, बाकी सौदा था धोखा नहीं। सौदे का तो बहाना था, तू मुझे और नवाब को पकड़वाना चाहता था। हाँ किस्मत। अबे अपनी सजा तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरे दोस्त की टांग की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी कानिया। कीमत? कितनी कीमत चाहिए इसकी टांग की? 5 लाख 10 20 दिया, डन। 40 लाख देता हूं तुझे अभी, मुझे इसकी दूसरी टांग भी दे, इस हरामी की दूसरी टांग भी काट के ला, लास्ट की टांग तेरी। मेरी जगह पे मेरे आदमियों के सामने तू मेरे ऊपर बंदूक तानता है? उल्लू समझता है क्या? नवाब गोली चला। कानिया आँख खोल, कानिया आँख खोल, कानिए आँख खोल, खोल अपनी आँख और अपनी मौत को देख कानिया। नवाब शूट, आँख खोल कानिया।